हेलो एवरीवन, स्टार्ट किया जाए। बीच में कुछ ब्रेक हो गया और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा है वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ की हेल्प से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको ट्रायंगल लॉ बना के समझाया था कि कैसे आप जो है इसमें बना सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि एक वेक्टर आपका ये ए है, ठीक है। इसके बाद आपका एक दूसरा वेक्टर हमने ये बना रखा था यहाँ पर इस तरीके से, ये दूसरा वेक्टर है और इसमें हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया हुआ था ऐसे। ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है। इस तरीके से हमने दो वेक्टर बनाए थे वन बाय वन सक्सेसिव, एक के बाद एक, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो यहाँ पर एक वेक्टर बनाया था वो इनका रिजल्टेंट था। ये इनका रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स का रिजल्टेंट था यहाँ से, ये है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू थी वो ए प्लस बी की इक्वल थी। आर इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा हुआ था ए प्लस बी लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, आर का जो मैग्नीट्यूड था यहाँ पे वो हम लोगों ने लिख लिया था अंडर रूट ऑफ क्या था इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और टू ए बी कॉस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट था यहाँ पर। आर का रिजल्टेंट है, आर की जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और एक बात और डिस्कस कर ली थी कि 0 डिग्री जब आप करते हो यहाँ पे सी थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पर जो है अगर आप 0 डिग्री ले लेते हो, है ना, थीटा अगर आप यहाँ से 0 डिग्री ले लेते हो, तो थीटा अगर 0 डिग्री आपने ले लिया तो यहाँ से आर हमको कितना मिल रहा था, बोलो, ए प्लस बी मिल रहा था। और अगर थीटा की आपने 180 डिग्री वैल्यू रख ली है तो यहाँ से आर हमको क्या मिल रहा है, बोलो, ए माइनस बी या बी माइनस ए, ये मिल रहा है। तो एक बात हमको यहाँ से पता चल गई थी, क्या पता चल गई थी कि जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा ए माइनस बी से लेकर के और ए प्लस बी के बीच में होती है। ये हमारा ए माइनस बी से लेकर के और ए प्लस बी के बीच में रहती है, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट अपने पास निकल के आता है कि मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी या बी माइनस ए होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी। सिंपल एडिशन में ऐसा नहीं है, सिंपल एडिशन में हमेशा ए प्लस बी ही आएगा, लेकिन जब वेक्टर एडिशन आप करते हैं तो हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी नहीं, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। अच्छा, एक काम और करते हैं इसमें जो कि ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है, ज्यादा काम का रिजल्ट है, और वो रिजल्ट क्या है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है, ऐसा अक्सर होता है कि दो वेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं। अगर उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, हम हर जगह ए रख दे रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये कर दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और ये हमको मिल जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस और टू ए स्क्वायर कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, आर इक्वल्स टू ए बाहर है और ये रूट के अंदर क्या हो गया बताओ, टू और वन प्लस कॉस थीटा मिलेगा, ओके। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब यहाँ से वन प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, ये वन प्लस कॉस थीटा जो होता है ये हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहां से रख दो तो आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ, अंडर रूट ऑफ, ये हो गया, देखो ये तो बाहर था ही इसमें, ठीक है ना। एक सेकेंड,
यहां पर r इक्वल्स टू के बाहर है 2 और 1 प्लस cos थीटा की जगह आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। ओके अब अगर यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो r क्या मिलेगा बता, ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाय 2 मिल जाएगा, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाय 2 मिल जाएगा। ये तब लगाइएगा फॉर्मूला जब a और b आपस में इक्वल होते हैं, व्हेन a एंड b आर इक्वल। ओके a और b जब इक्वल हो जाएंगे तो r का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसका ज्यादा यूजफुल वो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, जैसे इसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा यहां से 0 डिग्री है तो r बराबर इसके आ जाएगा 2a के आ जाएगा, cos 0 1 होता है। अगर आपने थीटा यहां से 60 डिग्री रख दिया है ना, देखिएगा 60 डिग्री अगर आप रख देते हैं इसमें तो 60 का आधा हो गया 30, और 30 कितना रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको a रूट 3 मिलेगा। तो यहां से r जो हमको मिलने वाला है दैट इज a रूट 3 मिलने वाला है। अगर थीटा की जगह हम लोग 90 रख देते हैं, थीटा की जगह 90 में रख देंगे ना, तो r मिलेगा a रूट 2। अगर थीटा की जगह आपने 120 डिग्री रख दी है तो आपको r मिलेगा a, ठीक। और अगर आपने थीटा की जगह 180 डिग्री रख दिया तो r आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट सामने है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इक्वल में हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, हम इक्वल में फॉर्मूला लगाएंगे 2a cos थीटा बाय 2, ये इक्वल में फॉर्मूला लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैक्सिमम यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये चलिए तो ये आपको मैंने फॉर्मूला भी एनालाइज कराया है। अच्छा इसके बाद आइए आज आपको पढ़ाते हैं है ना पैरेललोग्राम, जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ है, हालांकि सिर्फ डायग्राम का फर्क है बाकी होता एक ही जैसा है। पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ कैसे देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऐसे कि जैसे मान लो यहां पर एक वेक्टर है a, उसके बाद यहां पर ये दूसरा वेक्टर, यहां से ये हम लोगों ने बना लिया b। अब ये दोनों वेक्टर की खास बात आ गई, दोनों वेक्टर की खास बात है दोनों एक ही जगह से बिगिन हो रहे हैं, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना, नाम रखना, नाम रख लो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर देखो बी है, ये दोनों वेक्टर जो है एक ही जगह से बिगिन हो रहे हैं, को इनिशियल। अब आप क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई रिजल्ट, इनको मिला करके बना दीजिएगा पैरेललोग्राम, इनको मिला करके बना दीजिएगा पैरेललोग्राम, ऐसे इस तरीके से इनको मिला करके बना दीजिएगा पैरेललोग्राम। ये हमने इनको मिला करके बना दिए पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच में जो आप बनाएंगे, ये जो डायगोनल बनेगा ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट। ओके ये जो डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया, ये पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल सा लॉ है कि अगर दो वेक्टर एक जगह से बिगिन हो रहे हैं तो उनको वेक्टर्स को मिला करके जो पैरेललोग्राम बनता है वो उनका डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, ठीक। एक दूसरी बात ये कि इसमें ये वाला एंगल यहां से बना लेंगे अल्फा और ये वाला एंगल यहां से बना लेंगे बीटा, दोनों साइड से हमने एंगल मिला करके बना लिया अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो यहां पर एक रिलेशन और याद रखिएगा, और वो रिलेशन क्या है कि यहां पर ए साइन अल्फा जो होता है, ए साइन अल्फा ये हमारा बी साइन बीटा के इक्वल होता है, ये रिलेशन याद रखिए। अल्फा और बीटा इन दोनों का सम मिला दोगे तो थीटा के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा। तो यहां पर ए साइन अल्फा जो होता है
ये हमारा बी साइन बीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या हम इस्तेमाल करेंगे, इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इस्तेमाल ये करेंगे कि अगर अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि ए और बी आपस में इक्वल हो जाए, मान लो ए और बी आपस में इक्वल हो गए तो अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है और ये दोनों थीटा बाई टू के बराबर, ये हमारा थीटा बाई टू के बराबर एंगल हाफ हो जाएगा, आधा एंगल ये हो जाएगा, आधा एंगल ये हो जाएगा, थीटा बाई टू ये हो गया यहाँ से और थीटा बाई टू ये हो जाएगा। ये कब करेंगे, जब दोनों के एंगल आपस में सॉरी दोनों तरफ का वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो जिधर का वेक्टर अगर मान लो ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, मान लो ए बी से ज्यादा है, अगर ए बी से ज्यादा है तो अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा, तो जिधर का वेक्टर बड़ा होता है उधर का एंगल छोटा होता है, और अगर ए की वैल्यू बी से कम होती है तो यहां से अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये कुल मिलाकर के पैरेललोग्राम लॉ है, लेकिन इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। आप कहोगे क्यों, देखो ये वेक्टर हमारा बी बना हुआ है यहाँ पर, अगर ये बी है तो इसको भी तो बी लिख सकते हैं आप, ये भी तो बी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं लिख सकते। अब अगर ये भी बी लिख दिया तो ये तो वही ट्रायंगल लॉ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो देखो लॉ एक ही है, एडिशन का ऐसा नहीं है कि आपने तीन लॉ लिख दिए तो तीन लॉ हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लॉ एक ही है, बस प्रॉब्लम होती है रिप्रेजेंट करने की, तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम लॉ में हम दो वेक्टर्स को मिला करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और ये उनका रिजल्टेंट होता है बीच में से जाता है, क्लियर है। रही बात मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला वैल्यू की, यहाँ पर आर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो आपने ट्रायंगल लॉ में निकाला है, ये फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज, ये हमारा वही सेम हो जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हो गया भाई, है ना, पैरेलल हो रहा। अब आइए तीसरा लॉ है पॉलीगन, थर्ड लॉ इज पॉलीगन। पॉलीगन लॉ जो होता है, पहली बात तो हम बनाते हैं जब डायग्राम इसका, तो ये फॉर मोर देन टू वेक्टर्स बनाते हैं, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स बनाते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर से ज्यादा होंगे तब इनको बनाएंगे, ठीक है ना, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। कैसे, इसको भी देखो ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे मतलब तीन चार पांच जितने भी आप बनाए, एक वेक्टर आपने ये बनाया, उसके बाद आपने एक वेक्टर ये बनाया ऐसे देखो, उसके तुरंत बाद ये बनाया, फिर आपने इसके बाद एक वेक्टर और बनाया, ठीक है, फिर आपने एक वेक्टर यहाँ से ये, एक वेक्टर आपने ऐसे बना लिया है ना, इसके बाद आपने एक वेक्टर और बना लिया ऐसे, मान ये बना लिया, और इन सब का जो रिजल्टेंट है वो ये देखो लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन ऐसे हो, ठीक है ना, यहां पर जो है लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आपका क्या हो गया, बताओ ए हो गया, ये वेक्टर आपका बी हो गया, ये वेक्टर आपका सी हो गया, ये वेक्टर आपका डी हो गया, और ये आखिरी वाला जो हो गया इनका रिजल्टेंट। ओके, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है कि अगर वेक्टर्स को हम लोग पॉलीगन में बताएं तो लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, वो तो लिख दिया जाए इसको, इफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन सक्सेसिव,
देन लास्ट साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट. जो लास्ट साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी बताओ? रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी. क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सीधा सीधा देखो सामने है ए बी सी डी, इन सब का जो रिजल्टेंट है अलग से लिख दे रहा हूं. यहां पर आर को क्या लिखा जा सकता है? आर कैन बी रिटेन एज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. इन सब का जो रिजल्टेंट होगा ये आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. ये वैल्यू अब इसमें भी देखो ट्रायंगल लॉ ही है. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. अगर हम चाहें तो इनका रिजल्टेंट देखो ये निकला एक आर वन यहाँ आ गया. फिर इसका और इसका इनका रिजल्टेंट निकालेंगे देखो. फिर इनका और इनका रिजल्टेंट, तो ये ट्रायंगल लॉ ही है. देखो एक बार ट्रायंगल लॉ यहां लगाया, एक बार ट्रायंगल लॉ यहां लगाया, एक बार ट्रायंगल लॉ यहां लगाया. तो कितनी बार ट्रायंगल लॉ लगा बताओ? ट्रायंगल लॉ हमारा तीन बार लगा है ना, ए बी सी डी. सारे एक बार में रिजल्टेंट नहीं निकले, क्या हुआ बताओ? ए और बी का पहले एक बार में लिया, फिर इनका और इनका ये देखो दो बार में, फिर तीन बार. तो बेसिकली पॉलीगन लॉ भी ट्रायंगल लॉ ही है. अगर आपसे कोई पूछे पॉलीगन लॉ तो आप कहोगे ये भी ट्रायंगल लॉ है, पर एक बार में नहीं लगेगा. पहले हमने दो वेक्टर का निकाला, फिर जो आया उसके बाद तीसरे का लिया हमने. इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ लगाया हुआ, थ्री टाइम्स लगाया हुआ. यहाँ पर जैसे कि हमने ए और बी का रिजल्टेंट लिया हुआ है, ठीक है ना, पहली बार में हमने ए और बी का रिजल्टेंट लिया हुआ. तो ए और बी का जो रिजल्टेंट हमने लिया वो आर वन लिया हुआ है. फिर हमने आर वन का रिजल्टेंट लिया है सी के साथ. फिर हमने ये मान लो आर टू आ गया, फिर हमने आर टू का रिजल्टेंट लिया है डी के साथ, है ना. तो ये स्टेप वाइज काम होता है. लास्ट में देखो आर आ गया, तो कितनी बार लगाए? तीन बार आपने ट्रायंगल लॉ लगा दिया है और ये वैल्यू निकल गया है, ठीक है ना. तो ये पॉलीगन लॉ होता है, लेकिन ये देखने का है, लगाएंगे ऐसे नहीं. देखो जब भी कभी ज्यादा वेक्टर होते हैं, मोर देन टू वेक्टर, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कॉम्पोनेंट मेथड. जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है कॉम्पोनेंट मेथड. इसमें एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा. एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, है ना. एक एग्जाम्पल लेकर के चला जाए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक वेक्टर, ये एक वेक्टर हमने ये बना दिया यहाँ से, उसके बाद यहाँ से तो दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से ऐसे ये बना दिया, ये सेकेंड वेक्टर हो गया यहाँ पर, ठीक है. तो फिर उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो वेक्टर है ये बना, ये हम लोगों ने तीन वेक्टर यहाँ से बना डाले हैं देखो इसमें, है ना. और एक का नाम मान लीजिए ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी. तीनों को मैंने एक ही जगह बना दिया, ठीक है ना. अब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है. सपोज करो ए जो है ये भी 5 यूनिट्स का है, मान लो ये भी हमारा 5 यूनिट्स का है और ये भी हमारा 5 यूनिट्स का नाम रख लिया है, ठीक है. तो ये ए बी सी तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है. अब हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है. क्या निकालना है? तीनों का रिजल्टेंट निकालना. देखो सबसे आसान तरीका है, ये वाला एंगल हमको गिवन होगा, मान लो ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है. तो हम यहाँ से क्या करेंगे देखो, सी के कॉम्पोनेंट तोड़ लेंगे. सी का कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आएगा सी कॉस 45, और इस तरफ चला जाएगा सी साइन 45. ये चला जाएगा सी साइन 45. अब यहाँ देखो ये हमारा देखो एक्स एक्सिस के तरीके से काम करेगा मान लो, और ये हमारा वाई एक्सिस के तरीके से काम करेगा. तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा, रिजल्टेंट का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसमें कौन कौन आ रहा है? उसमें देखो ए आ रहा है पूरा और सी कॉस 45 आ रहा है. तो ये आ जाएगा ए प्लस सी कॉस 45, ये हमारा एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ओके. और वाई कॉम्पोनेंट में कौन आ जाएगा देखिए, वाई कॉम्पोनेंट में आ जाएगा बी और प्लस सी साइन 45 आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा. अब देखो ए कितना है? 5 है. प्लस सी कितना है? सी यहाँ पर 5 हो गया. कॉस 45 वन बाई रूट टू हो गया यहाँ से. 5 चाहो तो कॉमन ले लेना यहाँ से. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट टू हो जाएगा. ऐसे देखो यहाँ पर निकाल लो, बी हो गया 5
और ये हो गया देखो फाइव इंटू वन बाई रूट टू, ये भी वही आ जाएगा फाइव और वन प्लस वन बाई रूट टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो एक्स कॉम्पोनेंट निकाल ली, वाई निकाल ली, और आर की वैल्यू जो है कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये क्या मिलेगा बताओ, ये आ जाएगा फाइव देखो बाहर और वन प्लस वन बाई रूट टू और इंटू रूट टू लगा दी, रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो फाइव आ जाएगा और ये आएगा रूट टू प्लस वन आ जाएगा, फाइव आ जाएगा रूट टू प्लस वन। ओके, ये हमारी वैल्यू निकाल ली रिजल्टेड। तो देखो तीन वेक्टर थे, हम लोगों ने कोई इसमें डायग्राम नहीं बनाया, हमने सिंपली यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया और अपनी तरफ से सपोज कर लिया एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट ले लिया, है ना। ना भी आप एक्स वाई नाम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पोनेंट तोड़ लीजिए और जितने भी कॉम्पोनेंट एक डायरेक्शन वाले उनको एक तरफ ले लो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले दूसरे ले लो, अंडर रूट करके निकाल। तो ये पॉलीनोमियल का सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा यही होता है ना, सबसे अच्छा यही होता है कि कंपोनेंट ब्रेक कर लो, है ना, और उसके बाद जो है उनको वैल्यू निकाल। ओके, तो ये आपका एडिशन का तरीका है, कैसे एडिशन निकाला जाता है, किया जाता है। दो वेक्टर का अगर आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन कैसे करें। ओके, तो सारे फॉर्मूले समझ में आ गए कि नहीं आ गए। एक इसमें छोटा सा वीडियो न्यूमेरिकल्स का बना देंगे, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए नीट में, ठीक है ना, नीट में वेक्टर्स के आते हैं एडिशन के, आज जेई वगैरह में तो एडिशन वो आता नहीं है, वेक्टर डायरेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, वीडियो बना लेंगे जिसमें कि इन क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेंगे, है ना, और उसके बाद एक वीडियो में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, चलिए।